गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इस इंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी दिमाग में आपके चलनी चाहिए। अब तो समय आ रहा है धीरे धीरे जहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अनलॉक वन के दौर में आप जी रहे हैं, और जैसे कि इंडिकेशंस आ रहे हैं कि अब कोचिंग्स कॉलेजेस वगैरह जुलाई के बाद से या अगस्त में नॉर्मली खुलने लगेंगे, तो आगे चीज़ें अभी दुरुस्त हों, बेहतर हों, इम्प्रोवाइज्ड हों। उससे पहले हमारी जो प्रिपरेशन है वो हमारी हमेशा क्या होती रहनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो मंडे स्पेशल का सेशन आप देख रहे होंगे, ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ एक सेगमेंट्स ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम्स में भी काम आएंगे आपके, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। और ये सेगमेंट आप देख रहे होंगे, ये है आपका, यहां पे आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों बहुत बार आपके मन में आता होगा कि आप इन शब्दों को या किसी शब्द को देखें तो आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता सकें कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है, क्या है, ये आपको मन में कहीं कहीं आपके रहता होगा, आप जाने। तो कुछ एक शब्द मैंने लिए हैं जिनके सफिक्सेस के द्वारा हम उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखें ध्यान से, पहला वर्ड है आपका मिसमराइज। मिसमराइज मीन्स बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देना। तो लास्ट में देखें क्या है आपके पास, लास्ट में आई एस ई। जब भी किसी शब्द के अंत में आई एस ई या आई जेड ई होता है तो आप पढ़े हैं वो शब्द क्या होता है आपका, एक वर्ब हो जाता है। क्या होता है, एक वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका सफोकेशन। सफोकेशन क्या होता है, घुटन को कहते हैं। जब आदमी सफोकेशन फील करता है मीन्स उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है या उस एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो सफोकेशन के लास्ट में देखे क्या है, टी आई ओ एन। नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली सफोकेशन जो है वो क्या रहेगा आपका, नाउन के रूप में काम करेगा। अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर आप नॉर्मली क्यों करें, हमेशा क्यों नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसे शब्द मिलेंगे जो ये होंगे, जैसे ये वर्ड है आपका फंक्शन। फंक्शन में भी आई ओ एन, टी आई ओ एन है, लेकिन ये नाउन के साथ साथ एक वर्ब के रूप में भी काम करता है। ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, कि उस सेंटेंस में इसका किस तरीके का यूज किया गया है। अगर कार्य करने के सेंस में यूज किया गया है तो फिर फंक्शन वर्ब हो जाएगा, और अगर केवल फंक्शन यानी उसके कार्य के सेंस में यूज किया गया है तो फिर वो नाउन हो जाएगा आपका, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है आपका स्किलफुली। पहले वर्ड क्या रहा होगा, स्किल नाउन हो गया, स्किल में फुल जोड़ा गया, क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव हो गया, और फिर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, याद है ना आपको, अब ये एडवर्ब हो जाएगा, स्किलफुली कुशलतापूर्वक दक्षतापूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है स्कॉलरली। स्कॉलर से बना, स्कॉलर क्या रहा होगा आपका, नाउन विद्वान के रूप में, और एक नाउन में आपने क्या जोड़ा है, एल वाई, तो भूल के भी एडवर्ब लेने की गलती ना करिएगा, ठीक है? ये स्कॉलरली क्या हो जाएगा आपका, याद है, नाउन प्लस एल वाई बराबर क्या होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड आपका फंक्शन। ये वर्ड कह रहा था ना, दोनों रूप में काम करेगा, अगर ये कार्य करने के लिए यूज हो रहा है तो फिर ये वर्ब हो जाएगा, और केवल कार्य के सेंस में, फंक्शन के सेंस में यूज हो रहा है तो फिर ये नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। ना ना ना, आप ही मत सोचिएगा ये आई एस एच है तुरंत एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर से वही सेंटेंस में उसका यूज कैसे किया गया, उसका यूज कैसे किया गया, ये ध्यान रखिए। तो एडमानिश जब आप पढ़ेंगे ना तो एडमानिश का अर्थ होता है डांटना। डांटना तो एक कार्य हो गया ना, तो फिर ये क्या है एडमानिश, यहां पे वर्ब हो जाएगा, भले ही आई एस एच लगा है। ऐसे कई सारे वर्ड्स मिलेंगे, अगर आपको याद हो ये वर्ड देखें, गार्निश। ये आई एस एच है लेकिन क्या है, ये वर्ब है। क्यों, क्योंकि गार्निश मीन्स होता है किसी चीज को सजाना, स्पेशली जब हम भोजन को सजा करके रखते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, गार्निश करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्डिस। ये नाउन में देखे आई एस एच है, तो कार्य से तो कोई मतलब है नहीं, चाइल्डिस मीन्स होता है बच्चों जैसा, ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइनमेंट। कोई दुविधा, कोई हेजिटेशन, कोई डिलेमा नहीं होना चाहिए आपको, जैसे आपने मेंट देखा तुरंत कह दें यह एक नाउन हो जाएगा। नियरनेस क्या है, नेस, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए,
तुरंत कह देना चाहिए कि यह क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। हैंडफुल, ये एक नाउन के रूप में यूज होता है बच्चों, मुट्ठी भर लोग, जैसे अ हैंडफुल ऑफ पीपल, तो ये फिर नाउन के रूप में हो गया। लेकिन अगर हैंडफुल पीपल यूज करेंगे तो फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडिबल, किसी शब्द के अंत में अगर आई बी एल ई या नॉर्मली अगर ए बी एल ई आता है तो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन मैंने बताया था आपको, अगर ये वर्ड दिया हो कहीं इनेबल तो ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये वर्ब होता आपका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सुपरफ्लुअस, लास्ट में देखें क्या है, ओ यू एस, बिना शंका बिना डिलेमा कह दें आप, बिना सस्पिशन के, ये वर्ड क्या है आपका, क्या है, ओ यू एस, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फुलिशली, पहला वर्ड क्या रहा होगा, फूल, ये क्या था, एक नाउन, इसमें आपने आई एस एच जोड़ा, क्या हो गया, ये एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव में आपने क्या जोड़ लिया, एल वाई, तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है रियलाइज, रियलाइजिंग, रियलाइज क्या रहा होगा, वर्ब रहा होगा, इसमें आपने आई एन जी जोड़ा, तो ये वर्ब प्लस आई एन जी एक वर्ब के रूप में भी कार्य कर सकता है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी कार्य कर सकता है और एक जीरंड के रूप में भी कार्य कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टपोन्ड, वर्ड क्या रहा होगा, पोस्टपोन, उसमें आपने डी जोड़ा, क्या बनाया आपने, वर्ब के सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, अगर आपने सेकेंड फॉर्म बनाया तो फिर वर्ब के रूप में काम करेगा, और अगर आपने थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बनाया, इसका मतलब वर्ब का भी कार्य कर सकता है और एक एडजेक्टिव का भी कार्य कर सकता है। जैसे आई हैव पोस्टपोन्ड माय डिसीजन, यहां हैव पोस्टपोन्ड यानी मैंने पास्ट पार्टिसिपल के रूप में वर्ब के रूप में यूज किया है। लेकिन अगर मैं कहूं पोस्टपोन्ड डिसीजंस, अभी पोस्टपोन्ड क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है किंगडम, जैसे आपने डी ओ एम देखा, नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा। एक्टिविटी, जैसे आई टी वाई देखा आपने, तुरंत कह दें क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फ्लोरिस्ट, जैसे आई एस टी देखा आपने, तुरंत कह दें क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मेथोडोलॉजी, जैसे आपने लॉजी देखा, तुरंत कह दें क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया क्या होते हैं, जब चोरी करने की सनक जिसको होती है वो क्लेप्टोमैनिया का शिकार होता है, ठीक है। तो मैनिया जैसे ही आपने देखा, मैनिया एक प्रकार की भावना है और जहां भावना है वहां नाउन हो जाएगा। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी क्या होता है, पाखंड को कहते हैं। पाखंड भी क्या है, एक प्रकार का बिहेवियर, एक कंडीशन, एक भावना है, तो यह भी क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। जेनोसाइड, सी आई डी ई है ना, सी आई डी, जेनोसाइड जब किसी शब्द में जुड़ा है, साइड सुसाइड, जेनोसाइड, और भी अगर आपने पढ़ा हो मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, सोरोरीसाइड, अक्जोरीसाइड, फिलिसाइड, कैनिसाइड, कई सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये नाउन की तरह कार्य करते हैं मर्डर के सेंस में। नेक्स्ट प्रोग्मेटिज्म, जैसे आई एस एम आपने देखा, तुरंत कह दें ये किसका काम कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। नर्वसली, नर्वस क्या रहा होगा, ओ यू एस, एडजेक्टिव रहा होगा, और उस एडजेक्टिव में आपने क्या जोड़ दिया, एल वाई, क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है मैनली, मैन क्या है आपका, नाउन, एल वाई जोड़ा आपने, नाउन प्लस एल वाई, याद हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोक्रिएट, ए टी ई, एक नाउन भी हो सकता है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने उस सेंटेंस में कैसे यूज किया। तो प्रोक्रिएट यहां वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि प्रोक्रिएट मीन्स होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, इसलिए यहां पे जो ए टी ई है ये वर्ब के रूप में काम करेगा। जैसे एसोसिएट है, ठीक है, ये वर्ड है ना एसोसिएट, ये किसकी तरह काम करता है, ये वर्ब की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, और कंडीशन के साथ ये एक नाउन की तरह भी कार्य कर सकता है। लाइटन, लाइट में क्या है, ई एन, तो क्या हो जाएगा ये ई एन, शॉर्टन, ब्लैकन, व्हाइटन, लाइटन, थिकन, स्ट्रेंथन, ऐसे शब्दों जो ई एन है वो वर्ब सफिक्स दिखाता है, लाइटन क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा।
मैटर, ईआर क्या होता है, नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। तो अगर मैटर को आप किसी मामले के सेंस में, इशू के सेंस में लेते हैं तो मैटर नाउन हो जाएगा, और मैटर का अर्थ अगर फर्क पड़ने के सेंस में आप लेते हैं तो फिर ये वर्ब हो जाएगा। जैसे कोई कहे ये मैटर बहुत पेचीदा है, ये मामला बहुत पेचीदा है, तो मैटर क्या हो गया, नाउन। लेकिन इट डजंट मैटर, यानी इससे फर्क नहीं पड़ता, तो यहां मैटर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अपवार्ड, अपवार्ड क्या हो जाएगा बच्चों, अपवार्ड ऊपर की तरफ। तो जब कोई आपको डायरेक्शन दिखा रहा है वार्ड के साथ डब्ल्यू ए आर डी, तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। और मलेरियल, मलेरिया क्या होता है, नाउन, उस नाउन में एल जुड़ा है तो याद करें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया तरीका है बच्चों। अगर आप ये सारे धीरे धीरे वर्ब सफिक्सेस तैयार कर लें कि नाउन कैसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, वर्ब कैसे पहचानते हैं और एडवर्ब कैसे पहचानते हैं, तो आप कई सारे शब्द 70% के आसपास वर्ड्स को आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर आप प्रोनाउन नहीं कह रहे, आप प्रीपोजिशन नहीं कह रहे, आप कंजंक्शन नहीं कह रहे, आप इंटरजेक्शन नहीं कह रहे, आप ऑर्डिकल या डिटरमिनर्स नहीं कह रहे, क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये वो शब्द हैं जिनमें आप सफिक्सेस नहीं जोड़ सकते हैं। तो जिनमें सफिक्सेस जोड़ सकते हैं वो चार ही हैं बच्चों। कौन से चार, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। यही वो वर्ड्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए इन्हीं में आप क्या करते हैं, सफिक्सेस जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट था हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच विद द हेल्प ऑफ सफिक्सेस। ठीक है, जरूर तैयार करिएगा, ये तैयारी आपके कई सारी चीजों में काम आएगी। जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे आप, तो आप उसके अर्थ को समझ जाएंगे कि हाँ नाउन है तो कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई घटना, कोई कार्य, कोई गुण, कोई अवगुण वगैरह के बारे में आपको बताया जा रहा होगा। एडजेक्टिव है अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा होगा। वर्ब है अर्थात तो नाउन या प्रोनाउन कोई कार्य कर रहे होंगे या अवस्था प्रदर्शित कर रहे होंगे। एडवर्ब है अर्थात ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहे होंगे। ठीक है, ये फायदा है अगर आप इनको बेहतर तरीके से क्या करते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, जाइएगा नहीं अभी, आप अभी है, अभी आगे सेगमेंट्स हैं मेरे। ठीक है, अभी आपको पढ़ना है, देखें ये है आपका उससे भी बेहतर सेगमेंट। यहां आपको क्या करना है, ये जो बट है आपका, ठीक है, ये बट और येट को आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इन सेंटेंसेस में जहां भी बट या येट लगे हैं उन सेंटेंसेस में इनकी कंडीशन क्या है, यानी इनकी पोजीशन क्या है, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको दोनों, इसलिए मैंने यहां रिवीजन के लिए दिया है। इसके फायदे हैं बच्चों, आगे अगर आप चीज धीरे धीरे प्रिपेयर करते जाते तो बोले यहां पे क्या है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड बट ही पास्ड। यहां पे बट क्या है बच्चों, अपनी गेस करें आप, बट क्या होगा, कोई कंजंक्शन होगा, कोई प्रीपोजिशन होगा, कोई एडवर्ब होगा, क्या होगा ये, या कोई प्रोनाउन होगा। कुछ समझ में आ रहा है, ये पूरी क्लॉज है ही डिड नॉट वर्क हार्ड, और फिर यहां भी क्लॉज है ही पास्ड। तो जब दो क्लॉजेस को आपने बट से जोड़ा है, इसका मतलब ये बट यहां क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद है ये यहां कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सी फाउंड नोबडी बट सपोर्टेड हर। ये बट किसके लिए है, नोबडी के लिए है। क्यों, क्योंकि बट के बाद सीधे आपने क्या ले लिया है, सपोर्टेड। अगर आपके मन में आ रहा है कि क्या सर बट के बाद वर्ब नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्लास के सेंस में भी आ सकती है, लेकिन तब जब बट से पहले भी वर्ब होता तब, लेकिन है नहीं यहां पे। इसका मतलब ये नोबडी के लिए आपने बट लगाया है, तो अगर नोबडी के लिए बट लगाया और इसके सीधे बाद क्या आ गई, वर्ब, इसका मतलब बट का यूज यहां किस रूप में आपने किया है, किस रूप में बच्चों, इसे आपने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया, और जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ तो आप बट का मतलब तुरंत समझ जाएं कि
कि बट का मतलब होता है हु नॉट। इसके फायदे हैं कंपटीशन लेवल पे, लेकिन अभी आप केवल जाने धीरे धीरे, मैं खुद ही धीरे धीरे रिविजन करा लूंगा आपको कंपटीशन लेवल पे, ठीक है। अभी आप जाने कि बट यहां रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका अर्थ जो नहीं होगा। अब हिंदी के कैसे निकलेगी, शी फाउंड नोबडी, उसने किसी को भी नहीं पाया, बट, बट का मतलब, और ये पास्ट इंडेफिनिट सपोर्टेड, तो बट का अर्थ क्या हो जाएगा, हु डिड नॉट, ये अर्थ हो जाएगा। यानी शी फाउंड नोबडी हु डिड नॉट सपोर्ट हर, यानी उसने किसी भी ऐसे को नहीं पाया हु डिड नॉट सपोर्ट हर, जिसने उसकी मदद नहीं की, ठीक है। यानी यहां बट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले आपका नोबडी है जिसके लिए आपने बट यूज किया, और ये बट की वर्ब है सपोर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही इज बट एन इनोसेंट बॉय। बट के बाद अगर कोई नाउन फ्रेज आता है तो फिर वो क्या हो सकता है, यहां ये एक प्रीपोजिशन भी हो सकता है और एक एडवर्ब भी हो सकता है। कंजंक्शन तो कभी नहीं होगा और प्रोनाउन भी कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन तभी होगा जब उसके बाद कोई वर्ब दी गई, जो यहां नहीं है। कंजंक्शन भी तभी होता जब इसके बाद कोई क्लॉज होती, नहीं है। अब ये या तो एडवर्ब होगा या फिर क्या होगा, ये प्रीपोजिशन। तो हिंदी देखते हैं, ही इज बट एन इनोसेंट बॉय, क्या आप ऐसे बोलेंगे, एक मासूम लड़के के सिवाय वह है, नहीं ना। प्रीपोजिशन के अर्थ में बट का अर्थ क्या होता है, के सिवाय, यानी प्रीपोजिशन के अर्थ में बट बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्सेप्ट, ठीक है। और अगर ये एडवर्ब के रूप में है तो इस बट का अर्थ क्या होता है, मैंने अभी कल ही या परसों बताया था आपको, मेयरली, ये होता है ना। तो ही इज मेयरली एन इनोसेंट बॉय, यानी वह केवल एक मासूम बच्चा है, यानी वह एक मासूम बच्चा है केवल। दिस इज, यानी यहां बट एडवर्ब रूप में merely, यानी केवल के सेंस में आपने यूज किया है। डू दिस वर्क बट फास्ट, डू दिस वर्क, ये कार्य करो बट फास्ट, यहां फास्ट यानी यहां एडवर्ब रूप में बट है, जब एडवर्ब रूप के, सॉरी एडवर्ब से पहले बट है, जब इसके पहले बट है, ये बट किस सेंस में यूज हुआ है, वेरी के सेंस में, किस सेंस में, वेरी के सेंस में। और अगर बट को आपने वेरी के सेंस में यूज किया है तो वेरी के सेंस में बट क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। एवरीबडी प्रेज्ड हिम, सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की, बट हर, यहां बट के बाद देखिए केवल एक प्रोनाउन है और वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, तो एक ही अवस्था में ऐसा आ सकता है जब यहां पर बट का अर्थ क्या हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, ये हो जाए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, अर्थात यहां बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस बता रहा है कि बट यहां प्रीपोजिशन के रूप में है। ध्यान रखिएगा, जब भी बट प्रीपोजिशन के रूप में होता है तो उसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। मैंने बताया था एग्जाम में आपको नॉमिनेटिव दे दिया जाता है प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान रखिएगा किसी भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। ही इज लेजी, वो सुस्त है, येट ही गेट्स सक्सेस, येट से पहले पूरी क्लॉज है ही इज लेजी, और येट के बाद भी पूरी क्लॉज है ही गेट्स सक्सेस, यानी येट यहां क्या है, इजी है ना, क्या है, कंजंक्शन है आपका। यू हैव येट टू लर्न, जब हैव टू के बीच में या बी बी ई बी टू के बीच, यानी इज एम आर वाज वर प्लस टू के बीच अगर येट आता है तो उस येट का अर्थ होता है अभी भी, और जब येट इन दोनों के बीच में आता हैव टू या बी टू के, तो येट एक क्या होता है, याद है आपको, एडवर्ब होता है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क येट, मैंने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट है ना, सॉरी यहां है प्रेजेंट परफेक्ट, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है और इस नेगेटिव में लास्ट में क्या लिया आपने, येट, कौन से सेंस में, अभी तक के सेंस में, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये येट एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बट फॉर योर हेल्प, जब भी बट फॉर के बाद, याद रखिएगा बट फॉर के बाद केवल एक
फ्रेज आए, नाउन फ्रेज आए, कौन सी फ्रेज, नाउन फ्रेज, यानी कोई नाउन या नाउन फ्रेज आए बट फार के बाद, तो जो बट का अर्थ होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है विदाउट, क्या होता है विदाउट। तो जब बट का अर्थ, बट फार का अर्थ विदाउट हो जाएगा तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, यानी बट फार योर हेल्प, आपकी सहायता के बिना आई वुड नॉट हैव सक्सीडेड, मैं सफल नहीं हुआ होता। ठीक है बच्चों, आपके सपोर्ट के बिना हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो बट फॉर योर हेल्प, यानी आप इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते थे, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, ऐसे भी। ठीक है, तो बट फॉर यहां क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन के सेंस में यूज हुआ, फ्रेज भी आप कह सकते हैं। देयर वॉज नोबडी बट हेल्प्ड हर, अब तो आसान होना चाहिए ना, देयर वॉज नोबडी, नोबडी के बाद क्या है आपके पास बट, और बट के बाद क्या है वर्ब, इसका मतलब बट यहां रिलेटिव प्रोनाउन के अर्थ में आपने क्या किया है, यूज किया है। ठीक है बच्चों, ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि आप चीजें थोड़ी थोड़ी करके क्या करें, तैयार करते जाएं। इसके बाद वर्ड पावर का भी सेक्शन था मेरा, लेकिन अभी मैंने नहीं दिया, मैं चाहूंगा अभी आप यही करें, अगले मंडे को हम वर्ड पावर भी इसमें जोड़ेंगे ताकि उसे बेहतर तरीके से आप कर सकें। आप लगेगा सर ऐसे ही कह रहे हैं कि वर्ड पावर भी था, है बच्चों, लेकिन अभी मैं नहीं चाह रहा उसमें मैं आपको उलझाऊं, मैं चाह रहा हूं जितना आपने पढ़ा इतना पहले अपने आप को तैयार कर लें। देखें इसके बाद देखें ये भी अच्छा, ये तो मैं करा दे रहा हूं आपको, चलिए ये वर्ड्स जो हैं ये मैं आज नहीं कराऊंगा आप, ठीक है, लेकिन ये मैं करा दे रहा हूं, देख लें। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स वेदर प्रेजेंट पार्टिसिपल आर जेरंड, ठीक है, बढ़िया सेक्शन होगा बच्चों, आपके काम आएगा, अच्छा लगेगा आपको, अगर आपका मन ग्रामर को समझने में लगता है तो, और अगर आप मुश्किलों से, चुनौतियों से, चैलेंजेस से बचने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके लिए कहीं पर कोई रास्ता नहीं बच्चों। लेकिन जो लोग चुनौतियों से जूझने की कोशिश करते हैं, जिंदगी उन्हीं की है, ये जिंदगी उन्हीं की है जिसने मुश्किलों को पार कर लिया। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि जितने अंडरलाइन ये शब्द हैं, रीडिंग हर जगह मैंने एक ही शब्द से बनाए सारे सेंटेंसेस, ठीक है, और आप बताएं कि वो आईएनजी का जो रीडिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में होगा या जेरंड के रूप में, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। ध्यान रखें, जो आईएनजी है, जो उससे जुड़ा हुआ है, अगर आप लगे वह व्यक्ति कार्य कर रहा है या वो चीज कार्य कर रही है तो तुरंत समझ जाइएगा वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, क्या हो जाएगा। अगर आपको लगे कि उससे जुड़ा हुआ नाउन वो कार्य कर रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाए, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है तुरंत समझ जाइएगा वो क्या कर रहा है, जीरन का काम। एक और चीज, जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसका यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म का, तो एक वर्ब के रूप में इसकी जो हिंदी होती है वो क्या होती है, रहा, रही, रहे वगैरह होती है। एक एडजेक्टिव के रूप में क्या होती है, ते, हुए, ये सब आ जाता है, ते हुए या कर के या कर, ऐसे आ जाता है। और जो जीरंड होता है आपका, उसकी हिंदी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के रूप में क्या होती है, उसकी हिंदी होती है ना, नी, ने। ये भी एक पहचान हो सकती है। तीसरी पहचान क्या हो सकती है, जो भी शब्द आईएनजी फॉर्म का अगर वो एडजेक्टिव या वर्ब की तरह कार्य कर रहा है तुरंत समझ जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है वो हमेशा जेरंड होता है। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं, एक मिनट बस। देखें, करें रीडिंग वेरी केयरफुली, यानी रीडिंग वेरी केयरफुली और इसके बाद सब्जेक्ट है ही, तो ये कौन केयरफुली पढ़ रहा था बच्चों, केयरफुली कौन पढ़ रहा था, यही पढ़ रहा था ना, यानी ये पढ़ने का कार्य कर रहा था ही, यानी सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए ही फाउंड सम मिस्टेक्स इन हिज आर्टिकल, तो पढ़ कौन रहा था, ये पढ़ रहा था ना सब्जेक्ट, तो जब ये पढ़ रहा था इसका मतलब रीडिंग यहां क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, पहली पूंजी आपकी। नेक्स्ट, ही वॉज रीडिंग वेरी केयरफुली, मैंने हर जगह रीडिंग से ही दिया बस आपको समझाने के लिए, आप कैसे समझ सकते हैं, बोले बच्चों यहां रीडिंग क्या होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या आपके लिए एक जेरंड होगा, क्या होगा, क्या होगा यहां पे रीडिंग,
प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरण। बच्चों यहां पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, क्यों? क्योंकि वह पढ़ रहा था, तो वह कार्य कर रहा था पढ़ने का। जब वो कार्य कर रहा था, इसका मतलब रीडिंग क्या है यहां पे? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। पहली चीज क्या है? रीडिंग यहां सब्जेक्ट के रूप में देखें, इसके बाद सीधे वर्ब है, इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया है। दूसरी चीज क्या है? इसके हिंदी क्या निकल रही है? नानी ने, इसका मतलब रीडिंग यहां क्या है आपका? जीरण है। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ऑफ क्या है याद है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद यह एक नाउन के रूप में कार्य करना चाहिए, यानी अगर नाउन के रूप में कार्य करना चाहिए तो फिर यह क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा बच्चों? जीरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये ऑफ यानी फॉन्ड ऑफ के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या कर रहा है? ये कार्य कर रहा है। और जो ऑब्जेक्ट रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, नानी ने हिंदी निकल रही है, वो किस चीज का काम कर रहा है? आपके जीरण का कार्य कर रहा है। रीडिंग बुक्स इज एन इंटरेस्टिंग जॉब। रीडिंग बुक्स यानी पुस्तकें पढ़ना इज एन इंटरेस्टिंग जॉब, एक अच्छा कार्य। ठीक है, तो पुस्तकें तो पढ़ नहीं रही हैं, पुस्तकें नहीं पढ़ रही ना, पुस्तकों को पढ़ना यानी पुस्तकों को पढ़ना, पहली चीज नानी ने आया। दूसरा, ये सब्जेक्ट पढ़ने का कार्य नहीं कर रहे, जो बुक्स है ये कार्य नहीं कर रहा है। और तीसरा, ये रीडिंग बुक्स के बाद क्या है? वर्ब। इसका मतलब यहां रीडिंग बुक्स सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और ये सब्जेक्ट जिसमें बुक्स नाउन आपका है, ये पढ़ तो रहा नहीं है, इसका मतलब रीडिंग क्या होगा यहां? जीरण हो जाएगा। द मैन रीडिंग हिज बुक्स वॉज वेरी हैप्पी। वो आदमी, कौन सा आदमी बच्चों? रीडिंग हिज बुक्स, जो अपनी किताबें पढ़ रहा था। एडिटोरियल मैंने पढ़ाया था, इसे कैसे पढ़ेंगे? द मैन हु वॉज रीडिंग हिज बुक्स, यानी हु वॉज रीडिंग, यानी वो आदमी ही तो पढ़ रहा था ना। जब वो आदमी कार्य कर रहा था, पढ़ रहा था, तो रीडिंग क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। आई फाउंड हिम रीडिंग, बोले यहां क्या होगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या जीरण होगा? बोले आई फाउंड हिम रीडिंग, मैंने पाया उसे, मैंने उसे पाया रीडिंग, क्या करते हुए? पढ़ते हुए। क्या करते हुए? पढ़ते हुए। तो पहली पहचान ता हुआ ते हुए, दूसरी पहचान ये यही ना, मैंने किसको पाया? उसे। और वो क्या कर रहा था? वो पढ़ रहा था। इसका मतलब रीडिंग क्या हो जाएगा यहां? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ही लाइक्स रीडिंग, उसे पसंद है, उसे पसंद है। क्या पसंद है? पढ़ना। यानी यहां रीडिंग क्या है? पहले ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है, दूसरी पहचान क्या है? नानी ने, उसे पसंद है। क्या पसंद है? पढ़ना। तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, और हिंदी भी नानी ने निकल रही है, ये किस चीज का कार्य कर रहा है? जीरण का कार्य कर रहा है। रीडिंग हिज लेटर शी वॉज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही थी। क्या करते हुए? क्या करते हुए? रीडिंग हिज, अपने पत्र को पढ़ते हुए। तो ये पढ़ कौन रहा था? यही तो पढ़ रही थी ना। तो जब ये खुद पढ़ रही थी, कार्य कर रही थी, तो रीडिंग क्या हो जाएगी यहां? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। हर हैबिट इज अ रीडिंग बुक्स, उसकी आदत है। क्या आदत उसकी है? किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ना यानी यहां किताबें तो पढ़ नहीं रही हैं, किताबों को पढ़ना उसकी आदत है। इसका मतलब रीडिंग यहां किस चीज का काम कर रहा है? जीरण का कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, आदत तो पढ़ेगी नहीं बच्चों, तो इसका मतलब यहां पे जीरण है। ठीक है, ये प्रयास बच्चों आपको बेहतर बनाने का, जिन बच्चों को भी लगे कि संतोष सर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, कुछ चाहते हैं आप में परिवर्तन ले आना, वो बच्चे जरूर लाइक कमेंट किया करें बच्चों, शेयर किया करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ताकि और भी बच्चे मेरे से जुड़ते जाएं। क्योंकि टीचर का जो हौसला होता है वो क्लास भरी होने के बाद होता है, तो वैसे ही जब बच्चे यहाँ पे जुड़ते हैं तो टीचर को लगता है कि हाँ कहीं कहीं उसका रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो और मेहनत के साथ बेहतर देने की आपको कोशिश करता है। ठीक है, तो तैयारी रखें अपनी, मेहनत करते रहें। एक और चीज के लिए तैयारी रखें बच्चों, जो जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको कहीं कहीं अपने टीचर को सपोर्ट करना चाहिए,
उस टीचर को जो आपको सपोर्ट करता है, आपको बनाने की कोशिश करता है, तो अगर वो दिक्कत में है तो कहीं कहीं आप भी जितने आपकी क्षमताएं हैं उसकी हेल्प करने की आप कोशिश कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं जल्दी ही आपसे कहूंगा। हमेशा खुश रहें बच्चों, कहते हैं आपकी सफलता में ही आपकी खुशी है, तो ईश्वर करे आप जल्दी से जल्दी सफल हों। अभी जो बच्चे ये 69,000 की भर्ती में आशावान थे कि हाँ हो जाएगा, एक पेंच आ गया, लेकिन विश्वास रखें ये पेंच हट जाएगा और जल्दी ही चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जिन बच्चों को उसमें सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे जल्दी ही अपने परिवारों की मदद करने के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं, और जो बच्चे अभी सफल नहीं है उन बच्चों को सफल होने के लिए शुभकामनाएं कि आप हमेशा खुश रहें। मेरी मोबाइल भी कह रही है कि अब आप यहां से आ जाइए, हट जाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सपोर्ट को बनाए रखें, अच्छे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ते जाएं, जो बच्चे हमेशा इनक्रेज करने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें हमेशा।